हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बेसन की बर्फी की रेसिपी लेके आई हूँ। लेकिन ये जो मिठाई है वो नॉर्मल वाली बेसन की बर्फी से टोटली डिफरेंट है, टोटली अलग है। और इसका नाम है शाही बेसन की बर्फी। इसको आप शाही मोहनथाल भी कह सकते हैं, लेकिन इसको बिल्कुल अलग तरीके से बनाया गया है और ये मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये कितनी रिच और डिलीशियस है। हमने इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स भी ऐड किए हैं, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये कितनी सॉफ्ट और यम्मी बनी है, ये देखिए। इसकी रेसिपी बिल्कुल अलग है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है और इसमें 1.5 कप शुगर ऐड कर रही हूँ मैं। और ये मैंने लिया है 1 कप जितना दूध। दूध हमें सिर्फ इतना ही लेना है कि जितना हमारी जो शक्कर है वो भीग सके। रूम टेम्परेचर वाला दूध ही यूज़ करें। दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिला देंगे। हमें कोई चाशनी नहीं बनानी है, बस दूध और शक्कर को अच्छे से मिला देना है। इसको अच्छे से मिलाना है और अभी हम इसको साइड में रखेंगे। जिस ट्रे में हमें मिठाई सेट करनी है उसको हम ग्रीस कर लेंगे। पहले से ही ट्रे को ग्रीस करके रखें। अब मिठाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा बर्तन लिया है। आपके घर में जो भी बड़ा बर्तन हो आप यूज़ कर सकते हैं। मिठाई बनाने के लिए मैं हमेशा इसका ही यूज़ करती हूँ क्योंकि ये बहुत मोटा होता है। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 1/4 कप घी, यानी कि 1/4 कप घी लिया है मैंने। और घी के गर्म होते ही हम इसमें गोंद फ्राई करेंगे। 1/3 कप गोंद है, ये हीराकणी गोंद है और मार्केट में बड़ी आसानी से हर जगह मिल जाता है। जैसे ही गोंद फ्राई हो इसको बाहर निकालें, सारा गोंद इसी तरीके से फ्राई कर लें। और ये देखिए हमने सारा गोंद फ्राई कर लिया है। अब इसी घी में हम 2 कप बेसन ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिला देंगे। गोंद को फ्राई करने की वजह से यहाँ पर थोड़ा घी कम लग रहा है मुझे, तो मैं यहाँ पर 1/4 कप घी और ऐड कर रही हूँ। इसको भी हम अच्छे से मिला देंगे। मिठाई बनाने के लिए बेसन और घी की कंसिस्टेंसी इस तरीके से होनी चाहिए, ये देख सकते हैं आप। इसको हम भूनेंगे मीडियम आंच पे 10 मिनट के लिए। यहाँ पर हम बेसन को भून रहे हैं धीमी आंच पे और साथ में ही हम दूध और शक्कर को भी चलाते रहेंगे इस तरीके से, ताकि शक्कर थोड़ा थोड़ा पिघलना स्टार्ट हो जाए। बेसन को भूनेंगे और दूध और शक्कर को भी चलाते रहेंगे। शक्कर पिघले नहीं, कोई बात नहीं, बाद में हम जैसे ही इसको मिठाई में ऐड करेंगे तो ये गर्म होते ही पिघल जाएगी। अभी हम इसको बीच बीच में से चलाते रहेंगे। ये जो बेसन है वो 10 मिनट हो चुकी है, बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें से, थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया। तो मैं यहाँ पर 150 ग्राम जितना मावा ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिला देना है। 2-3 मिनट के लिए हम मावे को धीमी आँच पर बेसन के साथ भून लेंगे। अच्छे से भूनना है, गैस की फ्लेम को स्लो पे ही रखना है, वरना बेसन जल सकता है और मिठाई का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो गैस की फ्लेम को स्लो पे ही हम रखेंगे और इस तरीके से भूनते रहेंगे। अभी मैं यहाँ पर 1.5 कप ग्रेट किया हुआ ड्राई कोकोनट ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 कप बादाम चॉप किए हुए, 1/2 कप काजू चॉप किए हुए। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला देंगे और 2 मिनट के लिए धीमी आंच पे भून लेंगे। इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून जितना इलायची पाउडर और 1 टेबलस्पून जितना पॉपी सीड्स यानी खसखस। इसको भी हम अच्छे से मिला देंगे और 1 मिनट के लिए भून लेंगे। गैस की फ्लेम को स्लो पे ही रखें। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्जी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। गैस की फ्लेम को स्लो पे ही रखना है। और अभी हम यहाँ पर ऐड करेंगे ऑरेंज फूड कलर, 1 पिंच जितना ही मैंने ऑरेंज फूड कलर लिया है। फ्राई किया हुआ गोंद में ऐड कर रही हूँ। इसको भी हम अच्छे से मिला देंगे और 1 मिनट के लिए धीमी आंच पे भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे किशमिश 1/2 कप। किशमिश को मैंने लास्ट में ही डाला है क्योंकि अगर इसको पहले डाल देंगे तो वो जल जाएगी
और मिठाई का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तुरंत ही हम इसमें ऐड कर देंगे दूध और शक्कर जिसको हमने मिला के रखा था, और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अभी हम यहाँ पर गैस की फ्लेम को फुल पे रखेंगे ताकि जो शक्कर है वो अच्छे से पिघल जाए और मिठाई में अच्छे से वो मिक्स हो जाए। 2 मिनट तक हम गैस की फ्लेम को फुल पे करेंगे और उसके बाद हम मीडियम पे कर देंगे। अब मिठाई को चलाएं तब तक जब तक वो जमने की कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाती है, और 2 मिनट के बाद मीडियम आंच पे ये देखिए चारों तरफ से घी निकलना स्टार्ट हो गया है। थोड़ा थोड़ा चारों तरफ से घी निकल गया है। अभी 2 मिनट तक और हम गैस की फ्लेम को स्लो पे ही रखेंगे, और 2 मिनट के बाद ये देखिए सारा घी यहाँ पर निकल गया है और ये मिठाई जमने की कंसिस्टेंसी में आ चुकी है। बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। तो अभी हम गैस की फ्लेम को यहाँ पर ऑफ कर देंगे। इसके बाद तुरंत ही हम इसको मिठाई की ट्रे में निकाल देंगे और फैला देंगे हम इसको। यहाँ पर जो मेरी मिठाई की ट्रे है वो थोड़ी बड़ी है, तो मैं इसको आधे हिस्से में ही फैला रही हूँ, और अच्छे से प्रेस कर देना है। इसके बाद हम इसमें पॉपी सीड से गार्निश कर लेंगे इस तरीके से। इसके बाद हम इसके ऊपर चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स गार्निश करेंगे इस तरीके से। और एक कटोरी से हम इसको प्रेस कर देंगे ताकि जो ये ड्राई फ्रूट्स हैं वो अच्छे से चिपक जाएं। अब आप अपने मनपसंद साइज से इसके पीसेस को कट कर लें। गरम गरम में ही हम ये कट लगा देंगे इस तरीके से। अभी हम इसको ओवरनाइट सेट होने के लिए रख देंगे। अगर बहुत जल्दी हो तो आप फ्रिज में 2 या 3 घंटे के लिए सेट कर सकते हैं मिठाई को, लेकिन मैं यही सलाह दूंगी कि इसको रूम टेम्परेचर पे ही सेट होने दें। अगले ही दिन हम चेक कर रहे हैं और ये जो हमारी मिठाई है वो अच्छे से सेट हो चुकी है। अभी हम इसके पीसेस को अलग कर देंगे और ये देखिए कितनी बढ़िया मिठाई बन के तैयार हुई है। वाओ, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स, इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये शाही बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में दिए गए बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।